ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। पिछली क्लास में हमने देखा था, हमारा टॉपिक चल रहा था बैटरी या सेल, और बैटरी हमने किसे कहा था कि जब दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक विद्युत स्रोत प्राप्त होता है। इस विद्युत स्रोत को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। फिर एक अच्छी बैटरी की हमने विशेषता देखी थी कि अच्छी बैटरी की विशेषता ये होती है कि उसकी लागत या कीमत कम होनी चाहिए। दूसरी बात, वजन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। स्थिर वोल्टता की धारा लंबे समय तक देते रहना चाहिए, और सुसंबद्ध आपकी क्या होनी चाहिए? बैटरी होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा बैटरी के प्रकार। टॉपिक है हमारा बैटरी के प्रकार। देखो, बैटरी की दो प्रकार की होती है। बैटरी दो प्रकार की होती है, तो पहला ये तो देखो कि यह है दो प्रकार की होती है। बैटरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होती है प्राथमिक बैटरी और एक होती है द्वितीयक बैटरी, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। देखो, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी में क्या अंतर होता है? वे बैटरी या सेल जिनमें उपापचय अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया सिर्फ एक बार होती है, अर्थात वे बैटरी मैं कह सकता हूँ जिन्हें पुनः चार्ज करके उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, उन्हें बैटरियों को कौन सी बैटरी कहते हैं? प्राथमिक बैटरी कहते हैं। तथा जिनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात जिन्हें उन्हें चार्ज करके उपयोग में लिया जा सकता है, वो बैटरी कौन सी बैटरी होती है? द्वितीयक बैटरी। जैसे शुष्क सेल में लैक्लांस सेल है, मरकरी सेल है, ये सेल कौन से सेल है? हमारे घड़ी का सेल है, इसे हम उन्हें चार्ज करके उपयोग में नहीं ले जा सकते। जो आपकी घड़ी होती है और श्रवण यंत्रों में जो सेल लगाते हैं वो होता है हमारा मरकरी सेल। कौन सा सेल होता है? मरकरी सेल। और उस सेल को हम पुनः चार्ज करते उपयोग में नहीं ले सकते। इसके लिए शुष्क सेल, लैक्लांस सेल या मैं बोल दूं मरकरी सेल, ये सभी है जो कौन सी बैटरी के उदाहरण है? प्राथमिक बैटरी के उदाहरण है। तथा वे बैटरी जिन्हें पुनः चार्ज करके उपयोग में लिया जा सकता है वो कौन सी बैटरी कहलाती है? द्वितीयक बैटरी। जैसे हमारे इन्वर्टर में, इन्वर्टर जो घरों में यूज आता है उसमें जो बैटरी लगी हुई होती है वो द्वितीयक बैटरी होती है, और वो बैटरी है शीशा संचायक बैटरी। कौन सी बैटरी है? शीशा संचायक सेल बोल दो, चाहे शीशा संचायक बैटरी बोल दो। तो इस प्रकार से कैडमियम निकल की जो बैटरी होती है वो भी द्वितीयक बैटरी होती है, जिसे हम पुनः चार्ज करके क्या ले सकते हैं? उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बैटरी के प्रकार दो प्रकार के बताए हमने। पहला प्रकार है हमारा प्राथमिक बैटरी, और प्राथमिक बैटरी किसे कहा था? वे बैटरी जिन्हें पुनः चार्ज करके उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? एक बारी होती है, और एक बारी जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय। तो इस प्रकार की सेल के अंदर जो अभिक्रिया होगी वो अनुत्क्रमणीय होगी, एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होगी और एक बार यूज में लिया जा सकता है, पुनः चार्ज करके उपयोग में नहीं लिया जा सकता। उन बैटरी को कौन सी बैटरी कहेंगे? प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल। इसके अंदर लिखेंगे वह बैटरी जिसे उन्हें चार्ज कर उपयोग में
उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते, दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? प्राथमिक बैटरी के उदाहरण हैं, लेड लैंप्स है, लेड लैंप्स है, और इसके अलावा मर्करी है। देखो लेड लैंप्स कौन से होते हैं, आपने देखोगे कि जो हैंड टॉर्च आती है, हाथ वाले टॉर्च आती है, लंबी सी बेलनाकार के आकार, उसमें जो बड़े बड़े निप्पो सेल डलते हैं वो लैग्रांज सेल कहलाते हैं, जिन्हें शुष्क सेल भी कहते हैं। और हमारे हाथ की घड़ियों में, श्रवण यंत्रों में एवं छोटी छोटी मशीनों में जो सेल डलते हैं वो कौन से सेल होते हैं? मरकरी सेल होते हैं। और इन दोनों को ही हम सिर्फ एक बार यूज लेते हैं, और एक बार यूज लेने के बाद इन्हें दोबारा यूज नहीं किया जाता। तो लैग्रांज सेल और मरकरी सेल दोनों कौन से सेल है, कौन सी बैटरी है? प्राथमिक बैटरी है, इसे नोट करो। अब इसके बाद में हमारा पहला सेल देखेंगे, प्राथमिक बैटरी का या प्राथमिक सेल का लैग्रांज सेल या शुष्क सेल। देखो इसे लैग्रांज सेल क्यों कहा, कि जो सबसे पहले प्राथमिक बैटरी का निर्माण किया था या जिस शुष्क सेल का निर्माण किया था वो लैग्रांज नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए शुष्क सेल को ही इसके नाम से जाना जाता है, लैग्रांज सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम शुष्क सेल का निर्माण लैग्रांज से नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए शुष्क सेल को
यह हमारी होती है कार्बन या ग्रेफाइट की शर्ट, कार्बन या ग्रेफाइट की शर्ट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि यह कार्य करती है कैथोड। कार्बन या ग्रेफाइट की शर्ट इसका कार्य करती है कैथोड, और इस सेल के चारों जो ये सुरक्षा खोल होता है, सुरक्षा खोल, ये सुरक्षा खोल होता है जो जिंक का होता है, इसका होता है जिंक का, और ये इसका नीचे वाला सिरा जिंक का खोल है, ये कार्य करता है जिंक का कवच, और ये जिंक का कवच जो कार्य करता है वो करता है एनोड, जिस पर कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज, और कार्बन की छड़ के चारों मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा हुआ होता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में अमोनियम क्लोराइड व ZnCl, अमोनियम क्लोराइड व ZnCl का मिश्रण भरा हुआ, और ये कार्य करता है विभाजन, दोनों के बीच में अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 व MnO2 को विभाजित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हमारा जो चित्र है वो डायग्राम है, लैक लांसिस है, लैक लांसिस है या सिस्टिस है, और सेल का डायग्राम बना लिया तो सेल के क्रियाविधि के बारे में देखेंगे, संरचना और क्रियाविधि में कैसे है। सर्वप्रथम जैसे जैसे डायग्राम में हमने देखा है वैसे वैसे लिखना है कि शुष्क सेल या लैकलांसी सेल होता है जिसमें जिंक का एक क्या होता है खोल होता है, और ये जिंक का खोल इसका कार्य करता है एनोड का, अर्थात इस पर ऋणावेश पाया जाता है, तथा इसी सेल में ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जो अंदर जो कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ से जुड़ी हुई होती है, ये कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है जो किसका कार्य करती है कैथोड का, अर्थात इसमें कौन सा आवेश पाया जाता है धनावेश पाया जाता है। इस कार्बन की छड़ के दोनों या कार्बन की छड़ के चारों मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट या मिश्रण भरा हुआ होता है, तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों का मतलब और कार्बन की ग्रेफाइट की छड़ के मध्य अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या भरा हुआ होता है, मिश्रण भरा होता है। जब ये सेल कार्य करता है तो सेल कार्य करेगा तो जिंक है ZN है, एनोड का कार्य कर रहा है तो इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो ZN परिवर्तित हो जाएगा ZN प्लस 2 में, तो जिंक का ऑक्सीकरण होकर ZN ZN प्लस 2 में परिवर्तित हो जाता है,
तथा यह इलेक्ट्रॉन वाहक परिपथ के द्वारा किस पर चले जाते हैं, कैथोड पर, जो अमोनियम NH4 विद्युत अपघट से NH4 प्लस आयनों को विसर्जित करते हैं, और ये NH4 प्लस आयन है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके MnO2 की उपस्थिति में और किसमें बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। यहाँ मैंगनीज प्लस 4 से प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक Zn+2 आयन और अमोनिया दोनों रिएक्शन करके जिंक टेट्रा अमोनियम जिंक आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और इस सेल का जो सेल ग्रो प्राप्त होता है वो लगभग 1.5 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इसके संरचना क्रियाविधि के बारे में देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। इस सेल में जिंक का बाय होल या कवच होता है जो एनोड का कार्य करता है तथा इसके अंदर एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई होती है, की छड़ लगी हुई होती है जो कैथोड का कार्य करती है। कार्बन की छड़ के चारों ओर मैंगनीज डाइऑक्साइड मतलब MnO का पेस्ट भरा हुआ होता है तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा हुआ होता है इसके बाद हम देखेंगे इसमें
आगे क्या है, जैसे शैलजा करेगा कार्य करेगा, तो आगे देखेंगे। जब शैल कार्य करता है, जब शैल कार्य करने लगता है तो जेडन, तो जेडन जेडन प्लस टू आयनो के रूप में बोलने लगता है। तथा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब हम यहाँ पर तार चालक तार लगाएंगे, उस चालक तार द्वारा अर्थात बाह्य परिपथ के द्वारा इस पर चले जाते हैं कैथोड। मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से कैथोड पर चले जाते हैं। जो वैद्युत अपघट्य से वैद्युत अपघट्य से NH4 प्लस आयनों को विसर्जित करते हैं, आयनों को विसर्जित करते हैं जो कैथोड पर अपचयित होकर, जो कैथोड पर अपचयित होकर NH3 परिवर्तित NH3 परिवर्तित हो जाती है। इस सेल की कैथोड व एनोड पर इस सेल की एनोड व कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड पर अभिक्रिया, और एनोड का अभिसरण क्या होता है, ऑक्सीजन, जहां जिंक है जो दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसमें परिवर्तित हो जाता है जेड एन प्लस टू। फिर हम लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, और कैथोड पर क्या होता है अपचयन, कैथोड पर होता है अपचयन रिडक्शन। यहां जो NH4 प्लस आयन था वो Mn और Pb की उपस्थिति में दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और यहां बनाता है MnO
ध्यान रखना, यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था होती है प्लस चार और यहाँ बदल जाती है प्लस तीन, तो अर्थात मैंगनीज का भी क्या हो जाता है अपचयन हो जाता है। अब इसकी संपूर्ण सहल अभिक्रिया लिखिए, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ प्लस चार, तो यहाँ मैं लिखूं संपूर्ण सहल अभिक्रिया, संपूर्ण सहल अभिक्रिया, तो संपूर्ण सहल अभिक्रिया जितना बताया था आपको, रिएक्टेंट को एक तरफ लिख दो, प्रोडक्ट को एक तरफ लिख दो, तो इसका एनोड और कैथोड दोनों के लिए एक को यहाँ क्या है जिंक, एक क्या है NH4+, एक क्या है MnO। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट के दो इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट के दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना जरूरी है। अब तीन के चिन्ह से पहले वाले एक भी है, तो तीन के चिन्ह के बाद वाले लिखेंगे, तो यहाँ जेड एन प्लस टू, यहाँ बन रहा है एन एन ओ ओ एच, एक क्या बन रहा है एन एच, ये हमारी संपूर्ण सहल अभिक्रिया। यहाँ तक नोट करोगे, अब आगे जाके क्या होता है कि ये जेड एन प्लस टू है वो अमोनिया से रिएक्शन करके जेड एन एन एच थ्री के होल फोर संकुल का क्या करता है निर्माण करता है, और इस सेल की रासायनिक अभिक्रिया में मैंगनीज प्लस चार ऑक्सीकरण अवस्था से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है प्लस तीन ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात मैंगनीज का क्या हो जाता है अपचयन, और इस सेल का सेल वो होता है कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है। ये लाइन और हमें लिखनी है, यहाँ तक इसे पहले नोट कर लिया हो तो आगे चले। इस सेल अभिक्रिया में मैंगनीज प्लस चार ऑक्सीकरण अवस्था से प्लस चार ऑक्सीकरण अवस्था से अपचयित होकर प्लस तीन ऑक्सीकरण प्लस तीन ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सहल अभिक्रिया से सहल अभिक्रिया से ताप जेड एन प्लस टू आयन अमोनिया से अभिक्रिया कर अमोनिया से अभिक्रिया करके
अमोनिया से अभिक्रिया करके ZnNH3 का और +2 समतुल निर्माण करता है। निर्माण करता है इस सेल का सेल वॉल, इस सेल का सेल वॉल 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का उपयोग ट्रांजिस्टरों में, इस सेल का उपयोग ट्रांजिस्टरों में, ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। इसके बाद क्या है, इस लैग्रांज सेल की एक कमी क्या है, इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड व ZnCl2 का मिश्रण भरा जाता है तो अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रवृत्ति का होने के कारण ये क्या कर देता है, सेल को छिद्रित कर देता है। इसलिए इस वर्तमान समय में लीक प्रूफ सेल का उपयोग किया जाता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे लवण क्या होते हैं भरे जाते हैं। तो वर्तमान समय में इनके सेल में छिद्र हो जाने के कारण कौन से सेल का उपयोग करते हैं, लीक प्रूफ सेल का क्या करता है उपयोग, इसे याद रखना होगा। क्या कमी है लैग्रांज सेल की, जो लिखेंगे इस सेल में अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रवृत्ति का होने के कारण सेल की दीवारों को संचालित कर देता है, संचालित कर देता है। जिसके कारण सेल छिद्रित हो जाता है, सेल छिद्रित हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में, इसलिए वर्तमान समय में लीक प्रूफ सेल का उपयोग किया जाता है। जिसमें NH4Cl के स्थान पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
KOH भरा हुआ होगा। आज की क्लास में हमने प्राथमिक बैटरी को देखा और प्राथमिक बैटरी में हमने पहला सेल देखा लैग लांसेस सेल, और प्राथमिक बैटरी में एक सेल और बच गया हमारा मरकरी सेल। इसके बाद प्राथमिक बैटरी हमारी खत्म होगा टॉपिक, इसके बाद द्वितीयक बैटरी चलेगा, उसके बाद एक संचारण और एक ईंधन सेल और बचा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसी के साथ फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।